G20 करा दिए विश्व में देश का नाम। भाई G20 करा दे, अभी तो महंगाई हो गई, जब तो महंगाई हो गई। G20 कराने से भारत वालों को क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। कुछ तो ठीक ही चल रहा है, थोड़ी बहुत सुधार की भी जरूरत है। और जहाँ तक महंगाई थोड़ी बहुत बड़ी है, गरीबों को कष्ट थोड़ा तकलीफ हो रहा है। अब जो विरोधी हो तो बोलेंगे ही ना, जो विरोधी हो तो बोलेंगे ना, जो पढ़े लिखे उनको पता है ना योगी जी मोदी जी क्या कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं उनको। और बेरोजगार थोड़ा बहुत है, मगर कोई बात नहीं, हम सहलेंगे, हमारा देश आगे बढ़े यही बहुत है। जो जाने वाले G20 करा दिए विश्व में देश का नाम। G20 करा दे, अभी तो महंगाई हो गई, जब तो महंगाई हो गई। G20 कराने से भारत वालों को क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ, खाली देश का नाम रोशन होगा, इससे कुछ दिक्कत नहीं होगी। गरीब तो वहीं का नहीं रहेगा भाई, गरीब को क्या दिक्कत होगी। आओ भाई साहब, आपसे भी थोड़ा जान ले, बताता हूँ, इधर आ जाइए। हम ये थोड़ा सा जानने आए हैं कि चुनाव से पहले देश में सब ठीक चल रहा है या सुधार की जरूरत है? जी, सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है, थोड़ी बहुत सुधार की भी जरूरत है। और जहाँ तक महंगाई थोड़ी बहुत बड़ी है, गरीबों को कष्ट थोड़ा तकलीफ हो रहा है। जी, अरे महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, जानते हैं कि नहीं आप? जी जानते हैं। महिला आरक्षण बिल से 33% महिलाएं देश के संसद और विधानसभाओं में चुनकर जाएंगी। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? अभी बिल पास हुआ है, लागू होने में 2029 तक का समय लग सकता है, कैसे देख रहे हैं आप पीएम मोदी का ये कदम? हम उन्हीं के सपोर्टर हैं। सपोर्टर जिसके भी रहे हो, कदम बताओ, कदम कैसा आपके रूप में? एक आम जनता के रूप में करता है सर, जनता के, हमारे जनता के ऊपर डिपेंड करता है। और आपकी निजी राय क्या है इसमें? हम तो उन्हीं के वोट देंगे, और हमारी नजर में तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, देश को बहुत आगे बढ़ा दिए। जी, तो अभी वो भाई साहब बोल रहे थे देश को, अब जो विरोधी हो तो बोलेंगे ही ना, जो विरोधी हो तो बोलेंगे ना, जो पढ़े लिखे उनको पता है ना योगी जी मोदी जी क्या कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं उनको क्या पता। जी, और हमारे नजर में तो अच्छा ही काम कर रहे हैं और देश को बहुत आगे बढ़ा दिए। अभी हमारा देश बहुत विकास कर गया, आप भी देख रहे हैं सर, किस किस देश से पकड़ बन गया। और G20 का आयोजन हुआ, उसको आप बेहतर देखिए। जी हाँ, और गर्मी और काफी दिल, हर जगह हमारी यूपी में देखिए बहुत सुधार हो गया, तो ठीक काम कर। जी जी, मैं जगह जगह काट मार होता था, जब से बाबा जी आए काफी महिलाओं को सुरक्षित सुविधा मिल रहा है। जी, और बेरोजगार थोड़ा बहुत है, मगर कोई बात नहीं, हम सहलेंगे, हमारा देश आगे बढ़े यही बहुत है। चलिए, अनुमान लगाते हैं, धन्यवाद आपका। हाँ भाई साहब, क्या बेच रहे हैं आप? मसाला वसाला बेच रहे हैं? 2 मिनट बात हो जाएगा, हमारे आँख में मत फेंक दीजिएगा मसाला गुस्सा। सब ठीक, सब ठीक चल रहा है कि कुछ है गुंजाइश, कोई सुधार होने की जरूरत है? नहीं, ठीक है सब। डर के बोल रहे हो क्या? नहीं लगाने देंगे अरे ऐसे क्यों नहीं लगाने दीजिएगा भैया? तो बताओ, महंगा के मसाला पीछे से महंगा आ रहा है कि उसी रेट पे आ रहा है? पीछे से महंगा होगा तो बोलो, आगे से महंगा करूंगा या नहीं? ऊपर से जब महंगा आ रहा है तो इधर से भैया महंगा करना पड़ेगा, बोलो भाई कुछ है क्या? ना ना, तो तुमको देखने आया है, स्टार हो गए, देखने आया, चल रहे हो। अच्छा, अंकल को पूछिए ना, तुम बताओ ना, हम तो युवा से पूछे हैं। कितने रुपए में लाल मिर्च बेचते हैं? 10 गरम मसाला 80 रुपए। यार इंटरव्यू दे रहा, तुम गरम मसाला मांग रहे हो, क्या दो 80 के पाव भाई, 80 का पाव है। हाँ, तो पीछे से महंगा आ रहा है ना जी? पीछे से महंगा है, 3 रुपए केजी पे कमाता हो भाई ना भाई। तो हम तो क्या कहना चाहोगे पीएम मोदी से कि क्या सुधर जाए अगले साल चुनाव? क्या सुधर जाए, आप जो सुधार दे, अब मेरे कहने से तो नहीं होगा भैया। आप लोग यही दिक्कत है, आप लोग सोचते हैं हमारे कहने से नहीं, समान सस्ता कर दे और क्या, रोजगार करो। चलिए, ये है, हमने लोगों से बात की और आप तक ये ग्राउंड रियलिटी पहुंचाने की कोशिश की। कई तरह की समस्याओं से जनता अभी जूझ रही है, देश लोकसभा चुनाव 2024 के मुहाने पर खड़ा है और लोग उम्मीद में है कि चीज़ें बेहतर हो। सबकी ज़रूरतें अभी पूरी नहीं हुई है, ज़रूरतें समय के साथ भी पूरी होती हैं। कुछ लोगों को मौजूदा सरकार पर भरोसा है, कुछ लोग बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं और
कुछ लोग चाह रहे हैं कि देश बेहतर स्थिति में पहुंचे और राम मंदिर से लेके तमाम मुद्दे जनता के बीच हैं, लेकिन सबसे प्रखर मुद्दा महंगाई है। अब देखना है कि सरकार इस महंगाई को कितने समय में खत्म करती है या क्या जनता को राहत देती है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, नेक्स्ट लाइन न्यूज़ के लिए धन्यवाद।